नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो रहेगी हमारी इंट्रोडक्शन टू जॉइंट्स के ऊपर। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने स्केलेटल सिस्टम की बोन्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन और टाइप्स ऑफ बोन्स जो है वो हमने कवर कर लिया है। जिसने वो टॉपिक्स समझने हैं वो हमारी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकता है। आज की हमारी वीडियो रहेगी इंट्रोडक्शन टू जॉइंट्स के ऊपर। जॉइंट्स, ज्वाइंट होता क्या है? ज्वाइंट आपने वर्ड तो सुना होगा ये, ठीक है? नहीं, ज्वाइंट जो है वो जंक्शन को कहते हैं, जहां पे कोई दो चीजें जाके मिलती हो, दो या दो से ज्यादा चीजें मिल रही हो उसको ज्वाइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे ज्वाइंट्स जो है वो बात हो रही है ह्यूमन स्केलेटन के ज्वाइंट्स के ऊपर। स्केलेटन में होती हैं बोन्स, तो यहाँ पे ज्वाइंट्स का मीनिंग क्या होगा कि जहां दो या दो से ज्यादा बोन्स मिलती हो। ज्वाइंट इज एनी प्लेस वेयर टू आर मोर बोन्स मीट। ज्वाइंट क्या हो गया? हमारी बॉडी में कोई भी ऐसी जगह जहां पे दो या दो से ज्यादा हड्डियां मिलती हों, या फिर दूसरी लैंग्वेज में आप दूसरे वर्ड्स में अगर आपने बोलना है तो ज्वाइंट क्या होता है? अ ज्वाइंट इज ए पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर टू आर मोर बोन्स मीट टूगेदर। सेम चीज है कि ज्वाइंट बॉडी की ऐसी प्लेस है, बॉडी का ऐसा पार्ट है जहां पे दो या दो से ज्यादा हड्डियां जाके मिलती हूं। जैसे यहाँ पे आपको पता है कि आपके एल्बो में आपकी ह्यूमरस और रेडियस और अल्ना मिल रही है, तो तीन बोन्स होगी यहाँ पे, तीन हड्डियां एक जगह पे मिल रही है, तो इसको बोलते हैं एल्बो ज्वाइंट। वैसे ही आपको पता है कि आपके घुटने में भी आपकी फीमर जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है बॉडी की, और नीचे वाले जो है वो टीबिया और फिबुला, उसके साथ जहाँ पे होता है पटेला, तो यहाँ पे चार हड्डियां मिल रही हैं एक जगह पे, ये भी ज्वाइंट है, इसको बोलते हैं नी ज्वाइंट। जहाँ पे आपको पता है पेल्विस में आपकी फीमर और आपका जो पेल्विक बोन है वो मिलती है, इसको बोलते हैं हिप ज्वाइंट, जहाँ पे दो बोन्स मिल रही हैं। तो ज्वाइंट क्या हो गया? ज्वाइंट ऐसी जगह होगी हमारी बॉडी में, हमारे स्केलेटन में, जहां पे दो या दो से ज्यादा हड्डियां मिल रही हो, दो से ज्यादा दो बोन्स एक जगह पे मिल रही हो, उसको बोलते हैं ज्वाइंट। तो ह्यूमन बॉडी में कितने ज्वाइंट्स होते हैं? कितने ज्वाइंट्स होते हैं? एक होता है, दो होते हैं, तीन होते हैं, कितने ज्वाइंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में? ह्यूमन बॉडी हैज हंड्रेड्स ऑफ ज्वाइंट्स। कितने ज्वाइंट होते हैं? सौ की मात्रा में काफी सारे हंड्रेड्स, काउंट करोगे तो सौ से ज्यादा ज्वाइंट हो जाएंगे। जैसे हम काउंट करते हैं यहाँ पे, ये एक ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, दूसरा शोल्डर ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, तीन तीन हो गए, वैसे ये तीन दूसरी साइड छह हो गए, हिप ज्वाइंट आठ हो गए, दो दो कर रहा हूँ, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, वर्टेब्रल कॉलम 26 बोन्स हैं, 26 के 26 ज्वाइंट्स हैं आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ज्वाइंट्स काफी सारे होते हैं हमारी बॉडी में, और ज्वाइंट को हम एक और वर्ड से हम बोलते हैं, ज्वाइंट को क्या बोलते हैं? आर्टिकुलेशन। ज्वाइंट इज आल्सो नोन एज आर्टिकुलेशन। जहां पे आपको वर्ड आर्टिकुलेशन मिलेगा तो समझ लेना वो क्या बोल रहा है, वो ज्वाइंट बोल रहा है, ठीक है? ज्वाइंट इज आल्सो नोन एज आर्टिकुलेशन। ज्वाइंट्स का काम का क्या होता है हमारी बॉडी? ये देख लो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी आर्म है, ये सीधी सीधी दिख रही है, यहाँ पे लेग्स सीधी सीधी दिख रही है। अगर आर्म्स और लेग्स में ये घुटने का, लेग्स में टांगों में घुटने का ज्वाइंट नहीं होता तो आप क्या बैठ सकते थे? नहीं बैठ सकते थे। चल सकते थे? नहीं चल सकते थे। आपकी हिप ज्वाइंट में फीमर और पेल्विक बोन में ज्वाइंट नहीं होता तो आपकी टांगे मूव कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। आपका एल्बो ज्वाइंट नहीं होता यहाँ पे, तो यहाँ पे आर्म सीधी रहनी थी, आप अपनी आर्म को बेंड नहीं कर सकते हो। आपने फोन सुनना है, कान को लगाना है, तो एल्बो बेंड करनी पड़ती है। अगर आपका ज्वाइंट नहीं होता तो आप एल्बो बेंड नहीं कर पाते। ज्वाइंट का मेन फंक्शन क्या है? ज्वाइंट प्रोवाइड्स द मीन्स फॉर मूवमेंट्स। मूवमेंट्स करने का मीन्स जो है, रास्ता जो है, वो कौन प्रोवाइड करता है? ज्वाइंट्स। अगर ज्वाइंट ना हो तो मूवमेंट नहीं हो सकती बॉडी में। ज्वाइंट्स हैं, जंक्शन है, वहां पे मूवमेंट होती है। एवरी बोन इन द ह्यूमन बॉडी एक्सेप्ट हायोइड बोन आर्टिकुलेट्स विद एटलीस्ट वन बोन। तो हमारी बॉडी में कितनी बोन्स हैं? हमारी बॉडी में बोन्स कितनी है? 206। तो जो 206 में से
205 बोन्स हैं, उनका किसी ना किसी बोन के साथ ज्वाइंट है ही है, लेकिन एक बोन ऐसी होती है जो किसी भी बोन के साथ ज्वाइंट नहीं बनाती है, उसको बोलते हैं हायोइड, HYOID। हायोइड बोन कहाँ पे होती है, हमने अपनी वीडियोस में कवर किया है, सारी वीडियोस में सारे स्केलेटन को कवर किया है। तो हायोइड होती है स्कल में, स्कल में होती है। हायोइड बोन कहाँ पे होती है, गर्दन में होती है। आपकी गर्दन में एक बोन होती है हॉर्स शू शेप्ड, इस तरह से जो हॉर्स घोड़े की नाल होती है ना पाँव की, वैसी शेप की एक बोन होती है गर्दन में। वो बोन किसी के साथ भी नहीं जुड़ती है, उसका किसी भी बोन के साथ ज्वाइंट नहीं होता है। बाकी 205 की 205 हड्डियां जो है, कम से कम किसी और एक बोन के साथ उसका ज्वाइंट होता ही। ठीक है, यहां तक समझ आ गया कि ज्वाइंट क्या है। ज्वाइंट एक ऐसी जगह है बॉडी में, ऐसी प्लेस है जहां पे दो या दो से ज्यादा हड्डियां मिलती हैं। ह्यूमन बॉडी में हंड्रेड्स ऑफ ज्वाइंट्स हैं। ज्वाइंट को हम आर्टिकुलेशन भी कहते हैं, और ज्वाइंट्स का मेन काम है बॉडी में मूवमेंट प्रोवाइड करना। और हायोइड बोन जो है वो ज्वाइंट नहीं बनाती है, बाकी सारी बोन्स आपस में ज्वाइंट बनाती है। ठीक है, लेकिन ज्वाइंट आपको दिख रहे हैं काफी अलग अलग टाइप के ज्वाइंट होते हैं। हमारी बॉडी मूवमेंट कैसी होती है, सभी एक जैसी मूवमेंट होती है या अलग अलग टाइप की मूवमेंट होती है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में मूवमेंट जो है वो अलग अलग टाइप की होती है। ठीक है, तो इस क्यों होती है अलग अलग टाइप की मूवमेंट, क्योंकि ज्वाइंट्स अलग अलग टाइप्स के हैं। उसी के साथ हमारी जो बोन्स एक बोन दूसरी बोन के साथ जो जुड़ी होती है, तो जो बोन जुड़ी होती है उसमें उसके बीच में कोई ना कोई मटेरियल होता है। ठीक है, तो वो मटेरियल जो है, वो जो मटेरियल है वो अलग अलग होता है। अलग अलग ज्वाइंट्स में अलग अलग मटेरियल होता है, मतलब दो हड्डियां जहां जुड़ती हैं उसके बीच में जो मटेरियल और टिश्यू होता है, वो टिश्यू अलग अलग ज्वाइंट्स में अलग अलग टिश्यू होता है। किसी में वो फाइबर होता है बीच में दो हड्डियों के बीच में, किसी में वो दो हड्डियों के बीच में कार्टिलेज होती है, और किसी में दो हड्डियों के बीच में साइनोवियल फ्लूइड भी होता है। साइनोवियल कैविटी या गैप होता है, साइनोवियल फ्लूइड भी होता है। तो इन बेसिस पे हम ज्वाइंट्स को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्या लिखा है देखिए, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के ज्वाइंट्स होते हैं। ज्वाइंट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ज्वाइंट्स को हम अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, इसके बेसिस पे उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से भी कर सकते हैं कि अलग अलग स्ट्रक्चर है ज्वाइंट का तो अलग अलग ज्वाइंट होंगे। उनके फंक्शन के हिसाब से भी कर सकते हैं कि ज्वाइंट्स का अलग अलग फंक्शन होगा तो ज्वाइंट्स अलग अलग होंगे। तो हम स्ट्रक्चर के हिसाब से भी ज्वाइंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं और फंक्शन के हिसाब से भी कर सकते हैं। दे आर क्लासिफाइड इंटू थ्री टाइप्स। ज्वाइंट्स जो है उनको हम तीन तरह में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेटिंग सरफेस। आर्टिकुलेटिंग सरफेस क्या हो गया, स्ट्रक्चर बिटवीन टू बोन्स, एंड डिग्री ऑफ मूवमेंट एट दैट ज्वाइंट। और डिग्री ऑफ मूवमेंट क्या हो गया, फंक्शन। या फिर आप बोलो कि हम स्ट्रक्चर के हिसाब से डिवाइड करेंगे और फंक्शन के हिसाब से डिवाइड कर क्लासिफाई करेंगे ज्वाइंट्स को। या आप दूसरी तरह से बोल सकते हैं कि जो आर्टिकुलेटिंग बोन्स हैं, जो बोन्स ज्वाइंट बढ़ा रही हैं, उनके बीच में कौन सा सरफेस है उसके हिसाब से, और वो कितनी मूवमेंट दे रहा है ज्वाइंट। जैसे कुछ ज्वाइंट्स होते हैं आपको पता है काफी ज्यादा मूवमेंट देते हैं, जैसे घुटना जो है काफी मूव करता है, पूरा बेंड हो जाता है। ये वाला जो आपका एल्बिक ज्वाइंट है और शोल्डर ज्वाइंट है, इसमें काफी ज्यादा मूवमेंट होती है। सर्कमडक्शन, एडक्शन, एबडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, तो काफी सारी फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट है, फ्रीली मूव करता है ये। कुछ ज्वाइंट्स हैं वो थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं, जैसे आपके वर्टिब्रल रीढ़ की हड्डी जो है उसमें भी ज्वाइंट्स होते हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा फ्रीली मूवेबल नहीं, आप बिल्कुल पूरा टर्न नहीं कर सकते पीछे, थोड़ा सा ही बेंड हो सकते हैं। और कुछ ज्वाइंट्स जो है वो मूव ही नहीं करते हैं, जैसे आपके हेड में भी ज्वाइंट्स होते हैं, वो ज्वाइंट फिक्स ज्वाइंट हो जाते हैं। तो काफी अलग अलग टाइप, तीन तरह के ज्वाइंट्स होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफाई करें कि अलग अलग स्ट्रक्चर के अलग अलग ज्वाइंट होते हैं, तो हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है फाइब्रस ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट स्ट्रक्चरल बेसिस पे कर रहे हैं हम, फाइबर इन बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग बोन्स। फाइब्रस ज्वाइंट्स किसको बोलेंगे कि जो दो हड्डियां मिल रही हैं, उन दो हड्डियों के बीच में क्या है, उन दोनों हड्डियों के बीच में फाइबर है। क्या है, फाइबर। अगर दो हड्डियां जो मिल रही, ज्वाइंट क्या होता है, जहां पे दो या दो से ज्यादा बोन्स जुड़ती हैं,
उस प्लेस पे उन बोन्स के बीच में, जहां पे वो दो या दो से ज्यादा बोन्स जो मिल रही हैं उनके बीच में अगर फाइबर है, उनके बीच में अगर फाइबर है तो उसको बोलते हैं फाइब्रस ज्वाइंट। अगर उन दो बोन्स के बीच में कार्टिलेज है तो हम बोलते हैं कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट है वो। और अगर उन दो बोन्स के बीच में साइनोवियल कैविटी और साइनोवियल फ्लूइड है तो उसको बोलेंगे साइनोवियल ज्वाइंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है उसमें हम तीन तरह के ज्वाइंट्स को क्लासिफाई करते हैं। फाइब्रस ज्वाइंट, जहां पे बोन्स के बीच में फाइबर होता है, कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट, जहां पे बोन्स के बीच में कार्टिलेज होता है, और साइनोवियल ज्वाइंट, जहां पे बोन्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है। जो फाइब्रस ज्वाइंट है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके स्कल में, आपके हेड में, जो क्रेनियम जो होता है, क्रेनियम में 8 बोन्स होती हैं, वो 8 बोन्स के बीच में ज्वाइंट्स होते हैं जिनको सूचर्स भी बोलते हैं। ठीक है, जब हम डिटेल में करेंगे फाइब्रस ज्वाइंट को तो वहां बताएंगे आपको डिटेल में। यहाँ पे आप समझने के लिए सुन लीजिए कि समझ लीजिए, देख लीजिए कि जो आपके क्रेनियम में ज्वाइंट्स होते हैं वो फाइब्रस ज्वाइंट होते हैं। जो आपके वर्टिब्रल कॉलम, जो आपका रीढ़ की हड्डी होती है, उसकी रीढ़ की हड्डी में कितनी बोन्स होती हैं? 26। रीढ़ की हड्डी में 26 बोन्स होती हैं। तो जो 26 बोन्स होती हैं उनके बीच में जो ज्वाइंट होता है वो कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट होता है, क्योंकि उन वर्टिब्रे जो रीढ़ की हड्डियां हैं, 26 हड्डियां, उनके बीच में जो सेंटर में कार्टिलेज। और जो आपका नी ज्वाइंट है, जो आपका हिप ज्वाइंट है, जो आपका एल्बो ज्वाइंट है, जो आपका शोल्डर ज्वाइंट है, ये सारे साइनोवियल ज्वाइंट होते हैं। इनके बीच में साइनोवियल कैविटी होती है और उसके अंदर बड़ा होता है साइनोवियल फ्लूइड, जिससे ये काफी ज्यादा मूव करते हैं। ठीक है, ये हो गए तीन तरह के टाइप, तीन तरह के जॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस अगर देखो तो भी आप जॉइंट्स को तीन तरह में ही डिवाइड कर सकते हो। पहला है इमूवेबल ज्वाइंट। इमूवेबल क्या होता है? मूवेबल होता है जो मूव कर सकता है, इमूवेबल जो मूव नहीं कर सकता है, और जो मूव नहीं कर सकता है उसको हम फिक्स्ड भी बोल सकते हैं। तो ये हो गए फिक्स्ड ज्वाइंट, ज्वाइंट्स दैट डू नॉट मूव। ऐसे ज्वाइंट्स जहां पे जो दो बोन्स जुड़ रही हैं आपस में वो मूव नहीं करती हैं इतनी। जैसे आपका हेड में एग्जांपल बताइए मैंने, यहाँ पे बोन्स जुड़ी हुई हैं, ज्वाइंट्स तो है यहाँ पे, लेकिन ये मूव नहीं करता है। आपका स्कल खुलता थोड़ा ना है बार बार, इधर आगे पीछे थोड़ा ना होता है। ये एक जो इस साइड वाली बोन है और दूसरी साइड वाली बोन है, दोनों एक ही जगह पे फिक्स रहती है, इसलिए फिक्स्ड ज्वाइंट भी बोलते हैं। दूसरे हैं स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली मतलब थोड़ा सा, मूवेबल मतलब हलचल, जिसमें थोड़ी सी हलचल हो। जैसे आपको बताया वर्टिब्रल कॉलम जो है, वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है? थोड़ी सी मूवमेंट प्रोवाइड करता है। आपकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी बेंड होती है, बिल्कुल फोल्ड नहीं हो सकती है। ठीक है, तो जो वर्टिब्रल कॉलम है ये कौन से ज्वाइंट है? ये स्लाइटली मूवेबल है, इनमें मूवमेंट, थोड़ी थोड़ी मूवमेंट होती है। और तीसरा है फ्रीली मूवेबल। फ्रीली मूवेबल, फ्रीली कौन कौन से मूव करते हैं ज्वाइंट? आपको बताया जो, जैसे आपका नी ज्वाइंट, आपका हिप ज्वाइंट, आपका एल्बो ज्वाइंट, आपका शोल्डर ज्वाइंट, ये फ्रीली मूव करती है। तो ये हो गए फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, जहां पे फ्री मूवमेंट्स होती हैं। तो यहाँ पे हमने देखी दो तरह की क्लासिफिकेशन है, एक स्ट्रक्चर के बेस पे है, एक फंक्शन के बेस पे है, और दोनों क्लासिफिकेशन को आप कोरिलेट भी कर सकते हो। दोनों क्लासिफिकेशन को आप क्या कर सकते हो? कोरिलेट कर सकते हो। कैसे कोरिलेट कर सकते हो? जो इमूवेबल ज्वाइंट है स्कल में, वही ज्वाइंट क्या है? वही फाइबरस है। तो हम बोल सकते हैं कि जो फाइब्रस ज्वाइंट्स हैं उनको इमूवेबल ज्वाइंट भी बोलते हैं, या फिर जो इमूवेबल पॉइंट ज्वाइंट है उनको फाइब्रस ज्वाइंट बोलते हैं। तो हम दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा, जो स्लाइटली मूवेबल है, थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं ज्वाइंट, जैसे वर्टिब्रल कॉलम है, वो ही क्या है? वही कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट है। वो नहीं, उनके अंदर कार्टिलेज होती है बोन्स के बीच में। तो हम बोल सकते हैं कि जो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है कार्टिलेजिनियस, और फंक्शनल क्लासिफिकेशन स्लाइटली मूवेबल, दोनों एक ही हैं, दोनों को कोरिलेट कर सकते हो आप। तीसरा, जो साइनोवियल, तो फंक्शन के हिसाब से हमने देखा कि ज्वाइंट्स के बीच में साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और वही मूवमेंट के हिसाब से देखा फ्रीली मूव कर रहे हैं, दोनों एक ही हैं, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि साइनोवियल ज्वाइंट है वही फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट है। दोनों को कोरिलेट आप कर सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली कोरिलेट कर सकते हो। तो ज्वाइंट्स कितने तरह के हो गए? हमारी बॉडी में जनरली तीन तरह के ज्वाइंट्स होते हैं। कौन कौन से ज्वाइंट्स हैं? वो हैं आपके फाइब्रस ज्वाइंट्स, जिनको हम इमूवेबल ज्वाइंट भी बोल सकते हैं अगर फंक्शन स्ट्रक्चर फंक्शन के ऊपर जाएं। दूसरा है कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट, जिनको हम स्लाइटली मूवेबल भी बोल सकते हैं अगर आप फंक्शन के जहां डिग्री ऑफ मूवमेंट के ऊपर जाएं।
तीसरा है साइनोवियल ज्वाइंट, जिनको हम फ्रीली मूवेबल भी बोल सकते हैं। कौन से हो गए, फाइब्रस आर इनमूवेबल, कार्टिलेजिनियस आर स्लाइटली मूवेबल, साइनोवियल आर फ्रीली मूवेबल। जो तीनों तरह के जो ज्वाइंट्स हैं, इन तीनों तरह की ज्वाइंट्स की हम सेपरेट सेपरेट हल एक, जैसे फाइब्रस ज्वाइंट की अलग से वीडियो बनाएंगे, कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट की अलग से छोटी सी वीडियो बनाएंगे, और साइनोवियल ज्वाइंट की अलग से छोटी सी वीडियो बनाएंगे, ताकि आपको ये ज्वाइंट्स जो है ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। क्योंकि इनकी आगे ये टाइप्स होती है फाइब्रस ज्वाइंट्स की, स्लाइट कार्टिलेजिनियस की और साइनोवियल की, तो छह टाइप्स होती हैं, जिसमें आपने सुना होगा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, उसके बाद सैडल ज्वाइंट है आपका, तो कॉन्ड्राइलाइट ज्वाइंट है, तो छह तरह की टाइप्स होती है साइनोवियल ज्वाइंट्स की। तो इन सभी को हम क्या करेंगे, तीनों ज्वाइंट्स की अलग अलग वीडियो बनाएंगे छोटी छोटी, ताकि आपको वहां पे बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाए कि तीनों ज्वाइंट्स में स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे बने हुए हैं, फंक्शन कैसे हैं, उनकी टाइप्स क्या है, वो कहाँ कहाँ पे पूरी बॉडी में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फाइब्रस ज्वाइंट्स या इमोबल ज्वाइंट वाली वीडियोस के साथ, उसके बाद हम कार्टिलेजिनियस और साइनोवियल को भी कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।